पावर टावर ओके पावर टावर का ये जो सेक्शन है ठीक है ये जो स्टीम कंडेंसर है और ये जो जनरेटर टर्बाइन का सेक्शन है ये बिल्कुल ही सेम था बस डिफरेंस ये है, है कि इनकी जगह ठीक है यानी जो हिलियोस्टाच्स लगे हुए थे इनकी जगह ये जो लीनियर फ्रेशनल रिफ्लेक्टर्स है ये लगे हुए हैं ओके okay, तो बेसिकली ये जो फ्रेशनल रिफ्लेक्टर्स है ये काम कैसे करते हैं ये हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं ओके सो लेट स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट द देशन फर्स्टम सिंप्लीफाइज डिजाइन क्या बोला है कि ये जो फ्रेशनल रिफ्लेक्टर्स होते हैं ये सिंप्लीफाई करते हैं इस पैराबोलिक ट्रव किस डिजाइन को पैराबोलिक ट्रफ कैसा था एक लेट uh, मी हा पैराबोलिक ट्रप एक ट्रैकिंग uh, मेके लगा हुआ था ठीक है एक पैराबोलिक टाइप ऐसे कुछ ऐसे कुछ ड्यूएल uh, एक्सिस पे उसकी एक प्लेट uh, टाइप थी ठीक है सॉरी इसकी इस कर्व शेप में एक प्लेट थी ठीक है उसके बाद इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे एक रिसीवर uh, टाइप कुछ स्ट्रक्चर था ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म लगा हुआ था इसमें से एक फ्लूड रन uh, कर रहा था ठीक है यहाँ पे रिसीवर वगैरह लगा हुआ था ठीक है तो इसी सारे स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या करता है ये जो प्रेशनल रिफ्लेक्टर है ये सिंप्लीफाई करने का काम करता है ओके okay? वेट हाँ तो इसी फ्रेशनल रिफ्लेक्टर्स जो है हमारे ये पैराबोलिक ट्रफ के डिजाइन को सिम्प्लीफाई करने का काम करता है ओके पैराबोलिक शेप विद ऑफ फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट मिरर्स माउंटेड एट अ ग्राउंड लेवल ओके क्या बोला गया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यानी बेसिकली क्या बोला गया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इट मिमिक्स पैराबोलिक शेप Of sorry, shape with a set of flat or almost flat mirrors. माउंटेड एट ग्राउंड लेवल ओके तो ये जो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल पैराबलिक रिफ्लेक्टर एक सिंगल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बजाय ठीक है ये क्या करता है इट मेमिक्स शेप विद ऑफ फ्लैट कि की शेप का ये जो सेट होता है फ्लैट मिरर्स का जो माउंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे वो यूज करते हैं टिपिकल फ्रेसनल सिस्टम ट्वेंटी इंडिविजुअल लॉन्ग रिफ्लेक्टिंग प्रो कलेक्टर यानी ये क्या करते हैं 10 to 20 individual long reflecting segments instead of of a single ट्रफ कलेक्टर यूज करते हैं ठीक है थीके? तो ये है बेसिकली फ्रेशनल रिफ्लेक्टर का पर्पस कि ये जो पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर है ठीक है एक सिंगल पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर्स की जगह ये क्या करता है पैराबेलिक शिप के कुछ सेट जो फ्लैट मिरर्स के सेट होते हैं जो माउंट किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे वो यूज करते हैं यानी कि ये ऐसे सेट ठीक है ये जो ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं आर दी सेट्स ओके उसके साथ साथ टू ट्वेंटी इंडिविजुअल लॉन्ग रिफ्लेक्टिंग सिगमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं यानी ये ये जो रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्टर से जो है ये टेन टू ट्वेंटी इंडिविजुअल लॉन्ग रिफ्लेक्टिंग सिगमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल ट्रॉप कलेक्टर ठीक है एक की जगह यहाँ पे दस से बीस जो है इंडिविजुअल लॉन्ग रिफ्लेक्टिंग सिगमेंट यूज किए जाते हैं ओके then the next point is like a parabolic trough this long flat mirrors can be rotated about their long axis theek hai jaise parabolic trough jo hota hai hamara theek hai वो जैसे rotate कर सकता है बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा Fresnel reflector है ये भी उसके axis के along जो है वो rotate कर सकता है विच आर ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ ओके नॉर्थ साउथ ओके विचार ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ तो ये जो पैराबोलिक ट्रफ है ठीक है बिल्कुल उसी की तरह ये जो लॉन्ग फ्लैट मिरर्स लगे हुए होते हैं ठीक है ये रोटेट भी कर सकते हैं अबाउट इट्स लॉन्ग एक्सेस ये ठीक है उसके साथ साथ ये जो होते हैं ये नॉर्थ और साउथ की तरफ ओरिएंट किए गए होते हैं सो दैट दे कैन ट्रैक द सन अक्रॉस द स्काई सो दैट वो जो ये जो स्काई में जो सन होता है इनको ये ट्रैक कर सके सो so दैट ये जो रिफ्लेक्टर्स है ये जो सन की रिफ्लेक्ट सॉरी सन की जो रेज है ठीक है ये जो रेज आने वाली है इनको प्रॉपरली तरीके से रिसीवर पे रिफ्लेक्ट करवा सके इसके लिए इसके जो एंड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ जो होते हैं वो ओरिएंट किए जाते हैं सो दैट सन की जो रेज है उसको ट्रैक कर सके ओके सो दैट देखिए

ठीक है क्या करते हैं रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कलेक्टर फील्ड ये जो फ्लैट मिरर्स हम ये जो रिफ्लेक्टर्स यानी कि ये जो फ्लैट मिरर्स हम जो यूज करते हैं ठीक है ये जो फ्लैट मिरर्स है वो क्या करते हैं बेसिकली रिड्यूस करते हैं कॉस्ट हमारे कलेक्टर फील्ड की यानी ये जो हो गई ये इतना जो सेक्शन हो गया हमारा कलेक्टर फील्ड ठीक है तो अग, अगर हम फ्लैट मिरर्स यूज़ करें ऑब्वियसली तो वो सन की रेज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करवाता करवा सकता है रिसीवर पे ओके okay, तो इसी रीज़न से ये जो फ्लैट मिरर्स है इनको यूज़ करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी कलेक्टर फील्ड की वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी ओके okay, तो ये है हमारे फ्रेशनर रिफ्लेक्टर की डायग्राम और उसके कंस्ट्रक्शन के साथ उसका वर्किंग ठीक है ये जो बाकी का सेक्शन है जनरेटेड टर्बाइन सेक्शन ये जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है ठीक है इतना सेक्शन तो पैराबलिक सॉरी किसी भी सोलर इसमें ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा ठीक है जो का कर्न आंसर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है बेसिकली जो चेंज होता है इस कलेक्टर सेक्शन में होता है ओके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं सन की सोलर रेज को किस तरीके से रिसीवर पे ट्रैक सॉरी रिसीवर पे रिफ्लेक्ट कराते यानी कि और ये ये जो रिसीवर है वो इस सन रेज को ऑब्जर्व करता है तो ये मेन कलेक्टर फील्ड है जो आ, हर सोलर टेक्निक में आ, कुछ परसेंट वैरी करती रहती है ओके okay, तो बेसिकली हम इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सेक्शन है तो इसके बारे में उतना डिटेल जानना इसमें उतना ज़रूरी नहीं है ठीक है तो ये हो गया हमारा फ्रेशनल रिफ्लेक्टर्स ओके okay? इसके बाद हम देखेंगे सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट ओके पी पावर प्लांट जो है वो हम इसके बाद देखने वाले हैं ओके okay? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में